मुंबई में रोड रेज का एक दिल दहला देने वाला मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। एक शख्स गाड़ी के बोनट से लटका हुआ है और व्यस्त रोड में ड्राइवर गाड़ी को भगाया जा रहा है। स्विफ्ट कार के बोनट पर लटका हुआ यह शख्स वॉल्वो बस का ड्राइवर है। इससे पहले दोनों के बीच नवी मुंबई में झगड़ा हुआ था और कार के ड्राइवर ने वॉल्वो बस के विंडशील्ड पर बैट से हमला कर तोड़ दिया था और कार से भागने लगा। कार ड्राइवर को रोकने के लिए बस का ड्राइवर कार के बोनट पर चढ़ गया, लेकिन कार के ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और इसी तरह कार भगाता रहा। करीब 300 मीटर कार भागने के बाद बस का ड्राइवर गिर गया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान कार के ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। यह मामला 27 जुलाई का है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर का नाम अब्दुल राशिद अंसारी है। बस के ड्राइवर संतोष शिमलिकर को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थी, लेकिन वो खतरे से बाहर है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।